राधे राधे साथियों, आज हम जनरल एग्रीकल्चर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके पहले वीडियो में हमने 25 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिया था, सो आज हम क्वेश्चन नंबर 26 को डिस्कस करने जा रहे हैं। सो विच टेस्ट इज यूज्ड फॉर कंपेयरिंग टू मीन्स फ्रॉम इंडिपेंडेंट सैंपल। तो कौन सा ऐसा टेस्ट है जिसका यूज किया जाता है दो इंडिपेंडेंट सैंपल को डिफरेंशिएट करने के लिए? तो व्हाट इज़ योर राइट आंसर? तो योर राइट आंसर विल बी टी टेस्ट। टी टेस्ट का हम यूज़ करते हैं दो इंडिपेंडेंट सैंपल को कंपेयर करने के लिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 27। द इंस्ट्रूमेंट दैट यू यूज टू मेज़र द प्रेशर। ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिसका हम यूज़ करते हैं प्रेशर को यानी दाब को मापने के लिए? तो इसमें से पहला ऑप्शन हमारा है एनीमोमीटर। एनीमोमीटर से हम, मैंने बताया था पिछले लेक्चर में कि विंड वेलोसिटी मेज़र करते हैं। एल्गोमीटर से हम इंटेंसिटी ऑफ पेन को मेज़र करते हैं कि पेन की इंटेंसिटी कितनी है। ऑक्सीनोमीटर से हम प्लांट की ग्रोथ को मेज़र करते हैं। और तो आपके पास जो राइट आंसर होगा वो बैरोमीटर होगा। बैरोमीटर से हम प्रेशर को मेज़र करते हैं, तो आपका राइट आंसर होगा बैरोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ब्लू रेवोल्यूशन इज़ रिलेटेड विथ, ब्लू रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? तो ब्लू रेवोल्यूशन जो है वो हमारा क्रॉप, एनर्जी सोर्स या फिश या ऑयल सीड? तो फिश विल बी द राइट आंसर। आगे चलते हैं। द ओनली मैमल दैट कैन फ्लाई। ऐसा कौन सा मैमल है जो फ्लाई करता है? तो पिजन की बात करते हैं, तो क्या वो मैमल है? मैमल्स वो होते हैं, मतलब ऐसे पशु जो दूध देने वाले होते हैं, ठीक है, मैमल्स उन्हीं को हम कहते हैं, ठीक है। तो ऐसा कौन सा मैमल है जो फ्लाई करता है? तो पिजन क्या मैमल है? बैट क्या मैमल है? वेल, वेल तो आपका एक्वेटिक एनिमल है, वेल एक फिश है। तो इसका राइट आंसर होगा बैट। बैट जो होता है ऐसा मैमल है जो फ्लाई कर सकता है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, चमगादड़। वेल की अगर बात कर रहे हैं तो वेल जो है एक्वेटिक एनिमल है, वेल फिश, और ये जो है एक तरीके का मैमल है। वेल, वेल भी आपका एक तरीके का मैमल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फोटोसिंथेटिक इनहिबिशन बाई ऑक्सीजन। फोटोसिंथेटिक इनहिबिशन बाई ऑक्सीजन का मतलब है कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है? प्लांट मेक फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। पौधे सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन बनाते हैं, उसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इनहिबिशन का मतलब होता है कंट्रोल। तो फोटोसिंथेसिस को हम कंट्रोल कर सकते हैं बाई ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के द्वारा अगर हम फोटोसिंथेसिस को कंट्रोल करते हैं तो इस इफेक्ट को क्या कहते हैं? तो इस इफेक्ट को हम वारबर्ग्स इफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? वारबर्ग्स इफेक्ट कहते हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हमारा वारबर्ग्स इफेक्ट होगा। और क्वेश्चन नंबर 29 में जो राइट आंसर होगा आपका वो बैट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर चलें तो पूछ रहा है द मेजरमेंट ऑफ द डेप्थ ऑफ वाटर इज कॉमनली रिफर्ड टू एज। तो इनमें से आप ऐसा ऑप्शन बताइए जिससे हम वाटर की गहराई को हम मापते हैं, ठीक है। तो किस इंस्ट्रूमेंट से हम वाटर की डेप्थ को मेज़र करते हैं? तो बैथीमीटर से हम वाटर की डेप्थ को मेज़र करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? तो सुगर बीट इज़ एन इंडिकेटर प्लांट। सुगर बीट का इंडिकेटर प्लांट क्या होगा? सुगर बीट को क्या कहते हैं? तो चुकंदर कहते हैं। इसका जो इंडिकेटर प्लांट होगा वो हमारा सोडियम होगा। और बोरॉन का इंडिकेटर प्लांट क्या होगा? तो सॉरी, सनफ्लावर जो होगा वो इंडिकेटर प्लांट होगा किसका? बोरॉन का होगा, ठीक है। तो इसको भी आप दिमाग में रखिए, ये भी बहुत ज़्यादा पूछा, सनफ्लावर वाला बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्ज़ाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्या कह रहा है? द स्केल दैट इज़ यूज टू इंडिकेट द फोर्सेज ऑफ द विंड। ऐसी स्केल इसमें से बताइए जिसका यूज किया जाता है विंड के फोर्स को इंडिकेट करने के लिए, कि मतलब हवा का दाब कितना है, हवा कितना
फोर्स अप्लाई कर रही है, कितने फोर्स से हवा चल रही है, ऐसी कौन सी स्केल है जिससे हम ये बता सकते हैं कि हवा इतने फोर्स से चल रही है, तो दैट स्केल विल बी द बिफोर्ट स्केल। उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम बिफोर्ट स्केल कहते हैं, जिससे हम विंड के फोर्स का पता लगाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप हैज़ द लार्जेस्ट एरिया अंडर ट्रांसजेनिक ग्लोबली। ट्रांसजेनिक का क्या मतलब होता है, ट्रांस का मतलब होता है ट्रांसफ़र और जेनिक का मतलब होता है जीन। ऐसी क्रॉप जिसमें हम जीन का ट्रांसफ़र करके उस क्रॉप को हम रेजिस्टेंट बनाते हैं, इस पूरे फेनोमेना को हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंतर्गत पढ़ते हैं। ठीक है, तो इससे रिलेटेड तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तीन क्रॉप हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है कि किसका क्या आंसर होगा। इसमें ये जो ग्लोबली टर्म है ये आने के बाद इसमें आपका क्या आंसर होगा आप बताएं। पहला ऑप्शन है हमारा मस्टर्ड, दूसरा है कॉटन, तीसरा है सोयाबीन और चौथा है टोबैको। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, वो होगा हमारा सोयाबीन। क्या होगा, सोयाबीन। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि कॉटन भी तो हो सकता है, क्योंकि कॉटन क्या है, एक ट्रांसजेनिक क्रॉप है। तो यही तो आपको समझना है कि यहाँ पे ग्लोबली की बात किया गया है, पूरे वर्ल्ड में एक लार्जेस्ट एरिया में कौन सी हम ट्रांसजेनिक क्रॉप का यूज़ करते हैं सबसे ज़्यादा, तो सोयाबीन। लेकिन जब अगर क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि फर्स्ट ट्रांसजेनिक क्रॉप कौन सी है, तो वो हमारा टोबैको होगा। और अगर क्वेश्चन ये पूछ रहा है फर्स्ट कॉमर्शियल ट्रांसजेनिक क्रॉप कौन सी है, तो वो हमारा कॉटन होगा। और अगर क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सी ऐसी ट्रांसजेनिक क्रॉप है जिसको लार्जेस्ट एरिया में ग्रो किया जाता है, किया जा रहा है, तो वो हमारा होगा सोयाबीन। ठीक है, तो आई थिंक अब इसके बाद कन्फ्यूज़न नहीं होगा। ट्रांसजेनिक हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंतर्गत पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सोयाबीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं, क्या कह रहा है, द एलिमेंट दैट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ब्लड कोगुलेशन। कौन सा एलिमेंट है जो ब्लड क्लॉटिंग में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ब्लड कोगुलेशन का मतलब होता है ब्लड का थक्का बनना, मतलब खून का थक्का बनना। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हमारा कैल्शियम होगा। कैल्शियम इज़ दैट एलिमेंट विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर विच प्लेज इम्पॉर्टेंट रोल इन ब्लड कोगुलेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, राइस ग्रेन में किस चीज़ की कमी होती है। तो ऑप्शन है हमारा ग्लाइसिन, लाइसिन, एलानाइन और आइसोल्यूसिन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा लाइसिन। क्या होगा, लाइसिन। ठीक है, लाइसिन में, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा लाइसिन होगा। लेकिन जब लेग्यूम में पूछेगा कि लेग्यूम में किस चीज़ की कमी होती है, तो मेथियोनाइन होता है उसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, द यूनिट दैट इज़ यूज टू मेज़र द ल्यूमिनस इंटेंसिटी ऑफ अ सोर्स ऑफ लाइट। कौन सी ऐसी यूनिट है जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी में हम यूज़ करते हैं लाइट की सोर्स को मेज़र करने के लिए। क्वेश्चन ये पूछा गया है, क्वेश्चन इसमें से सीधा सीधा ये पूछा गया है कि SI यूनिट क्या होती है ल्यूमिनस इंटेंसिटी की। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो हमारा होगा कैंडेला। क्या होगा, कैंडेला इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैट नर्सरी इज रिलेटेड टू। मैट नर्सरी किससे संबंधित है, ओनियन से संबंधित है, चिली से संबंधित है, टोबैको से संबंधित है या राइस से संबंधित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो मैट नर्सरी क्या होता है सबसे पहले ये समझिए। तो मैट नर्सरी कुछ नहीं है, एक पॉलीथीन शीट को बिछाकर उसके ऊपर सॉयल की पतली परत को बिछा देते हैं, हम पूरा फैला देते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, राइस की नर्सरी को तैयार करते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को हम मैट नर्सरी कहते हैं। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर होगा वो आपको पता चल गया होगा, इसका राइट आंसर होगा हमारा राइस। क्या होगा राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर हमारा होगा राइस। राइस में हम मैट नर्सरी का यूज़ करते हैं। ये आप फिगर जो है सामने देख रहे हैं, कुछ इस तरीके का हमारा मैट नर्सरी देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं,
क्या क्वेश्चन है आगे? द साइंटिस्ट हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, किस साइंटिस्ट को हम फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहते हैं? तो मेंडल को कहते हैं, डार्विन को कहते हैं, लिनियस को कहते हैं, या लैमार्क को कहते हैं? मेंडल को क्या कहते हैं? तो फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं मेंडल को, ग्रेगर जोहन मेंडल पूरा नाम है इनका। डार्विन ने क्या दिया था? थ्योरी ऑफ पैन जीन्स इन्होंने दिया था। लैमार्क की बात करते हैं तो द थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर लैमार्क ने दिया था, जिसे हम लैमार्किज्म भी कहते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? कैरलस लीनियस, इनका पूरा नाम हमारा कैरलस लीनियस है, ठीक है? तो कैरलस लीनियस विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एनोवा वॉज डिफाइंड बाई, एनोवा वॉज डिफाइंड बाई, तो एनोवा किसने डिफाइन किया था? तो एनोवा वॉज डिफाइंड बाई आर ए फिशर। एनोवा क्या है? एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक है जिसका यूज़ करते हैं एनालिसिस ऑफ वेरियंस, वेरियंस के एनालिसिस के लिए हम एनोवा टेक्निक का यूज़ करते हैं। ये हमारा स्टैटिक्स से संबंधित है, ठीक है? नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? द मिडल रीजन ऑफ द सन एटमोसफेयर इज कॉल्ड एज, तो सन का जो मिडल रीजन होता है उसे हम क्या कहते हैं? आउटर रीजन को हम कोरोना कहते हैं। क्या कहते हैं? आउटर रीजन को हम कोरोना कहते हैं, ठीक है? और जो हमारा मिडल रीजन होता है उसे हम क्रोमोस्फेयर कहते हैं, ठीक है? ये आप सामने स्ट्रक्चर देखिए, जो आउटर पार्ट है उसे हम कोरोना कह रहे हैं और जो मिडल पार्ट है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम क्रोमोस्फेयर कहते हैं, ठीक है? आगे चलते हैं। द सिंपल मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी इन अ डेटा सेट, क्या ऑप्शन होगा? मीन, मीडियन, मोड या रेंज? किससे हम वेरिएबिलिटी को पता लगाते हैं, किससे हम वेरिएशन का पता लगाते हैं, किससे हम ये समझते हैं कि वेरिएशन आ रहा है हमारे डेटा में? तो वो हम पता लगाते हैं रेंज से। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो जब हम इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो जो हमारा आएगा वो वेरिएशन ही तो आएगा, ठीक है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? रेंज विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ टाइम, ऐसी कौन सी ब्रांच है साइंस की जिससे हम टाइम का मेजरमेंट करते हैं, ठीक है? द इंस्ट्रूमेंट दैट इज़ यूज टू मेजर द टाइम, ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम टाइम को मापते हैं? तो इसमें से क्या ऑप्शन होगा? बैथीमेट्री, हाइड्रोमेट्री, हेलियोमेट्री या क्रोनोमेट्री? तो इसका राइट आंसर होगा क्रोनोमेट्री, ठीक है? बैथीमेट्री से हम वाटर की डेप्थ को मेजर करते हैं, इसके पहले अभी अभी हमने बताया था आपको। तो इसका राइट आंसर होगा क्रोनोमेट्री। क्रोनोमेट्री आपका कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आप ये सामने डिस्प्ले पर देख पा रहे होंगे, कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है, ठीक है? इसे हम क्या कहते हैं? क्रोनोमेट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच स्टेट ऑफ इंडिया इन एरिया अंडर वीट क्रॉप, ठीक है? तो कौन सा भारत का ऐसा राज्य है जिसमें वीट की क्रॉप बहुत अच्छे खासे एरिया में ग्रो की जाती है? तो इसमें से हमारा जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में लार्जेस्ट एरिया में हम वीट का कल्टिवेशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एडिबल पार्ट ऑफ कॉलीफ्लावर, कॉलीफ्लावर का जो एडिबल पार्ट होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम कर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ड कहते हैं, ठीक है? और कैबेज की अगर बात करते हैं तो क्या कहते हैं? तो कैबेज में हम हेड कहते हैं। क्या कहते हैं? कैबेज में हम हेड कहते हैं। तो इसका हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा कर्ड, ठीक है? द इकोनॉमिक पार्ट ऑफ ईसब गोल, ईसब गोल का जो इकोनॉमिक पार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो इकोनॉमिक पार्ट जो होता है ईसब गोल का, जैसे पतंजलि भी बनाता है ईसब गोल का, डाइजेशन के लिए काफ़ी बढ़िया होता है ईसब गोल, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सीड एंड हस्क। ईसब गोल की भूसी आती है जिसका अगर आप यूज़ करते हैं तो आपकी पाचन क्रिया बहुत मजबूत होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द आउटर पोर्शन ऑफ द साइटोप्लाज्म इन अ सेल इज कॉल्ड एज,
जो साउटोप्लाज्म का आउटर पार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो हम उसे इक्टोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? इक्टोप्लाज्म। अगर इनर पोर्शन की बात करेंगे तो हमारा क्या होगा, इंडोप्लाज्म होगा। बाहर पार्ट की बात की जा रही है तो इस वजह से क्या होगा, इक्टोप्लाज्म होगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा इक्टोप्लाज्म होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट के हमारे 3 क्वेश्चंस बचे हैं, जल्दी जल्दी फटाफट इसको देख लेते हैं। खैरा डिजीज इन राइस इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, ठीक है, तो आपको पता है कि खैरा डिजीज जो होती है राइस में बहुत कॉमन डिजीज़ है, जो कि जिंक की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। और इसको हम मैनेज कैसे कर सकते हैं, तो इसको हम मैनेज कर सकते हैं जिंक सल्फेट का स्प्रे करके हम खैरा डिजीज को राइस में प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और नाइट्रोजन की वजह से क्या होता है, तो नाइट्रोजन की डिफिशियंसी की वजह से हमारा पटनिंग होती है कलीफ्लावर में। ठीक है, जितने भी नेक्रोसिस डिजीज़ आती हैं वो सब बोरॉन की डिफिशियंसी की वजह से होता है। और मोलिब्डेनम में विपटेल इन कलीफ्लावर, कलीफ्लावर में विपटेल जो होती है वो देखने को मिलती है मोलिब्डेनम की डिफिशियंसी की वजह से। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, एक्स्ट्रा पॉइंट्स, जिनको आप दिमाग में अपने रखिए, बहुत ज़्यादा ये भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होगा हमारा वो जिंक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ह्यूमन बींग्स ग्लूकोज स्टोर्ड इन, ह्यूमन बींग्स में ग्लूकोज कहाँ स्टोर होता है, तो लीवर में स्टोर होता है, इस बात को आप दिमाग में रखिएगा। नूरेनडॉर्फ जीन वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन विच सीरियल क्रॉप, तो नूरेनडॉर्फ जीन जो होता है वो किस क्रॉप से संबंधित है, तो राइस क्रॉप से संबंधित है, इस बात को भी आप अपने दिमाग में रखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर, कीप स्माइलिंग, कीप प्रैक्टिस। सारे वीडियोस आप देखते रहिए, इस वीडियो का मेन उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप क्वेश्चंस करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा आपके फ्यूचर के लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को समझिए, और बस आपको कुछ नहीं करना है, इन सभी क्वेश्चंस को आपको बार बार सुनते रहना है, क्योंकि आप बार बार इन सारे क्वेश्चन को सुनते रहेंगे तो बहुत जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है, और आपको फिर कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आप ये जो सीरीज़ मैंने स्टार्ट की है, इसका मेन उद्देश्य यही है कि आप इन सभी क्वेश्चंस को लिखिए नहीं, केवल अपने दिमाग में बैठाइए, बार बार लेक्चर देखिए, बार बार लेक्चर देखिए। एक समय ऐसा आएगा कि आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस जो होंगे,